तो लाला गाड़ी खुद चलाते हैं जी? देख रहे हैं मैं खुद। नहीं तो आप क्या वजह है इसकी कि ड्राइवर क्यों नहीं आपने रखा हुआ? मैं बेसिकली चूँकि खुद ड्राइवर हूँ, 71 में मेरा लाइसेंस बना और मैं एक तवील अर्सा ट्रक भी चलाता रहा मैं, तो उसकी चूँकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, ड्राइवर के साथ बैठने में ज़रा डर लगता है। और 89 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर सो गया था मेरा। अच्छा। जीटी रोड पे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे अजीब सी, मैं बैठ नहीं सकता ड्राइवर के साथ, बहुत डर लगता है, यूँ कह लें एक अजीब सी कैफियत होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अब ये है कि मेरा सांवल गाड़ी चलाता है, जुल्फी गाड़ी चलाता है। अच्छा, तो गाड़ी चलाते हुए म्यूज़िक अपने ही सुनते हैं आप, अपने गाने सुनते हैं? मैं खुद को सुनता हूँ अपनी तसहीह के लिए कि मैंने क्या गलती की है ताकि दोबारा ना करूँ। गलतियां भी होती हैं आपकी? हमें तो गलती नहीं, नहीं आपको हुई ना हो, हमें महसूस होती है कि इसको ज़्यादा बेहतर किस तरह किया जा सकता है। दूसरी बात है, मैं नुसरत खान साहब को, लता जी को, मेहदी हसन खान साहब को सफ़र में बहुत सुनता हूँ, मेरे साथ साथ होते हैं। तो इन सब में आपका सबसे फेवरेट कौन है? नुसरत फ़तेह अली खान साहब को साथ, चूँकि मैंने एक तवील अरसा गुजारा है, काम भी हमने एक ही जगह से एक ही वक्त में शुरू किया, और वो दरवेश फ़कीर आदमी था, अल्लाह उसे गरीब के रहमत करे, उसका मिजाज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तबीयत मिल गई है, वरना मैं खाने बहुत था कि, तो उनके मिजाज की वजह से भी वो मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो होता हूँ, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। लाला इतना ज़्यादा वैसे कोई शख्स कैसे गा सकता है? बहुत इश्क जो है ना, इश्क आपको जनूनी बना देता है, वो एक कैफियत, वो नॉर्मल इंसान नहीं रहता। कितने कैसेट्स आपकी आई थी इन अ रो मुसलसल? जितने कैसेट मेरे आए, यूँ कह लें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 96 से अभी तक उसको रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। वाह। सबसे ज़्यादा एल्बम होल्डर थे, और मैं प्रोफेशनली जो हैं एल्बम मेरे 500 के लगभग हैं। बाकी रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, फोक हेरिटेज, रेडियो पाकिस्तान की रिजर्व जो प्रिजर्व की है वो अलग है। तो उसमें मुझे खुद बाज़ औक़ात मैं गाना सुनता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, बल्कि कोई दोस्त फरमाइश करते हैं कि वो गाना सुनाओ, तो मैं तो उन्हें कहता हूँ कि मैंने गाया ही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं यार ये फलां एल्बम में फलां जगह है, फलां। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाया है, अपने फील्ड में मेहनत की है, ये अल्लाह की ख़ास नवाजिश होती है, ये हर बंदे की बस की बात है। अब हमें अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी, लाला हमें लेकर आ गए हैं अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए, जो सियासत में यहाँ पर बड़े सरगर्म हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये कि उनके करीबी साथी हैं। तो लाला से ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, उनसे गुफ्तगू इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पर यहाँ हमें लेकर आए हैं वो दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है, और हम इस वक्त दरिया सिंध के किनारे पर बैठे हैं। तो लाला, दरिया जो है या सहरा जो हैं, ये पहाड़ जो हैं, ये एक फ़नकार को वैसी अपील करते हैं, उसकी एक ख़ास हिस जो है, उसका ख़ास ताल्लुक़ होता है इन चीज़ों के साथ। तो आपकी भी कोई वाबस्तगी है दरिया के साथ, जंगलों के साथ, पहाड़ों के साथ, या बस वैसे ही चूँकि यहाँ डेरा है तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए? नहीं नहीं, दरिया से हमारी बहुत अटैचमेंट है, हमारा बचपन यहाँ गुजरा, हमने इसकी सीने से चलने वाली हवा जो है उसने हमें सिंगर बना दिया। जब चौदहवीं की रात होती है तो हम कश्ती में निकलते थे यहाँ पे, सारी सारी रात दरिया के इस साइड से उस साइड तक घूमा फिरते थे, और साथ हारमोनियम होता था और दरिया की लहरें होती थी, और आपके दोस्त होते थे? मेरे दोस्त होते थे जितने मुख्तलिफ औकात में, कभी दो, कभी चार, कभी छः, तो हम सब इस तरह शामें गुजारते थे। और तब आप चार्ज भी नहीं करते थे दोस्तों को ये सुनाने का? नहीं नहीं नहीं, दोस्तों से तो मैं अभी चार्ज नहीं करते, बल्कि वो देते नहीं। हाँ, तो यानी आपके दोस्तों को ये सहूलत मुफ्त में हासिल थी? बिल्कुल मुफ्त में हासिल थी, अल्लाह इनकी वजह से तो मैं सिंगर बना, ये अप्रिशिएट ना करते जो जिन हालात से मैं गुजरा हूँ, तो ये दो चार लोग मुझे अप्रिशिएट ना करते तो शायद मैं हिम्मत हार देता। और मेरे साथ मोहम्मद अली ख़ान साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली ख़ान साहब का एक तारुफ तो ये है कि ये यहाँ की बड़ी जानी पहचानी सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीसी के मेंबर भी हैं, और इमरान ख़ान साहब के NA 95 में कवरिंग कैंडिडेट भी थे, तो और यहाँ पर बड़ी सियासत में बड़े एक्टिव हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन एक दूसरा हवाला इनका यह है कि
ये लाला के करीबी साथियों में से हैं। तो खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारी मेज़बानी कर रहे हैं इस दरिया के इस खूबसूरत किनारे पर और ख़ूबसूरत माहौल में। तो आप इनकी शख्सियत के कौन से वाले हिस्से को से ज़्यादा मुतासर होते हैं, ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? लाला इनको इसलिए नहीं कहा जाता कि इज़ अ लिविंग लेजेंड और सिंगर वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। लाला उनकी तबीयत की वजह से कहा जाता है और वो भले पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन हो या वो हो या दोस्तों के अहबाब के साथ उनका जो रवैया है वो हो या सिंगर के तौर पे जो उनका वो क्लास है अपनी, तो वो सारी चीज़ें कंबाइन हो के लाला जो है जब कहा जाता है तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स के ये अताउल्लाह खानी सखेलवी की बात हो रही है। तो ये उनका, बाकी वो इतने नरम तबीयत के हैं कि उसमें तो कोई, ये तो हमें अंदाजा हुआ, वो कोई है ही नहीं। और फैमिली के अंदर कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वही बात के किसी बुजुर्ग की जरूरत होती है तो वो भी लाला वो रोल। आप इन्हें बुजुर्ग कह रहे हैं? ये लाला और हमारा होता है कि हम हमारे लिए तो बुजुर्ग छेड़ते हैं। नहीं, आप एहतरामन बुजुर्ग कहें उन्हें, आप ये ना कहें कि वो ज्यादा बड़ी उम्र के, छेड़ते हैं छेड़ते हैं हमारे बड़े भाई हैं और उनका रोल बुजुर्ग। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से इमरान खान नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, इसी तरह से लाला भी नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। वैसे तो माशाल्लाह वो बनेगा नया पाकिस्तान, पाकिस्तान भर में जहाँ पर चला दें तो वहाँ पर जो है वो एक ऐसा जोश जज्बा पैदा हो जाता बिल्कुल, है कि वहाँ ना इनकी जो है वो कमी महसूस होती है ना खान साहब की महसूस होती है। हम तो जी कई दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारे बड़े भाई हैं है। अब हमने एक इवेंट किया पीछे ईसा खेल में, तो वो थोड़ा सा हमारा ये ख्याल था कि खान साहब नहीं आ रहे तो लाला विल फिल इन दैट प्लेस, तो हमारी अरेंजमेंट भी थोड़ी सी रिलैक्स थी। अच्छा, तो वो लेकिन जब लाला आए तो हमें दरमियान में कट करना पड़ गया क्योंकि स्टेज के ऊपर ही सारी आवाम उधर पहुंच गई तो वो लोगों की बहुत मोहब्बत है लाला के साथ और इट गोज वाइस वर्सा दोनों साइड से। लाला, हम दरिया के किनारे पर बैठे हैं और आप जिक्र कर रहे थे कि जब आपने आगाज भी नहीं सही से किया था तो आप यहाँ कश्ती लेकर अंदर चले जाते थे, तो उन यादों को भी मैं चाहता हूँ कि ताज़ा कीजिए और इस पुरसकून सी फ़ज़ा में अपनी आवाज़ का अगर जादू जगाएँ और कुछ सुर बखेर दें तो हम सब लोगों की ईद हो जाएगी। तो दरिया दी सैन सदी में वाह, मैं रोहादा साई वाह, तू दरिया दी सैन सदी में मैं रोहादा साई, तू दरिया दी सैन सदी में। वाह वाह, हमारी तो ईद हो गई सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन, चूंकि दरिया पर बैठे हुए और कालाबाग बिल्कुल यहाँ करीब है तो इसलिए मेरे जहन में आ गया, पता नहीं ये ईद की इसकी मुनासिबत से है या नहीं, पता नहीं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप भी इन बातों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, कि कालाबाग डैम जो है आपके ख्याल में ज़रूरत है या कॉन्ट्रोवर्शियल होने की वजह से ना भी बने तो कोई मसला नहीं है? मेरा ख्याल पहली बात तो यह है कि इसको सियासी बना दिया गया है। ये सियासी है नहीं, कौम की तरक्की का मसला है, कौम के फ्यूचर का मसला है। ये जो सारा पानी आप देख रहे हैं ये गुजर के ज़ाया हो रहा है पानी, तो इसमें तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पानी के साथ क्या सियासत हो सकती है? वो बेचारा तो बेहतर रहेगा, उसे आप जिधर खुला छोड़ देंगे वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से नज़र आता है थी, ये दिखा सके, ये सामने जो वाइट बिल्डिंग, वाइट बिल्डिंग ये पावर स्टेशन बनाया है चाइना की मदद से ना, ठीक है, तो इसमें से जितनी बिजली पैदा हो रही है उसमें से एक यूनिट भी हमें नहीं मिलता, सारे पता नहीं किधर करते हैं। इसके परली तरफ वो ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ था, कॉलोनी भी बनी कालाबाग डैम के लिए, और अल्लाह की तरफ से वो ऑलरेडी बना बनाया है, एक तोहफा है, हम उसकी कदर नहीं करते। और यानी कुछ भी नहीं करना, दीवारें खड़ी करनी है बस, एक दीवार सिर्फ एक फ्रंट पे दीवार खड़ी करनी है, बाकी इतना खूबसूरत प्याला बना हुआ है। अब सूरत हाल ऐसी है कि आपके पास वक्त भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, वरना मैं लोकेशन पर आपको लेके जाता। इसको सियासी बना दिया गया है, ये सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरी तो पूरी कौम से एक बेटा होने की हैसियत से, भाई होने की हैसियत से, बुज़ुर्ग होने की हैसियत से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पर सोचें
और इससे पूरी कौम को फ़ायदा होगा, हम हमारी नस्लों को फ़ायदा होगा। ये पानी आप देख रहे हैं, अगर मेरा बेटा ये उधर दिखाना ज़रा, ये दराए सिंध की चौड़ाई यहाँ से दिखाना, ये कितना पानी नीचे जाके ज़ाया हो रहा है।